ये वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है जहां शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जियाली ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जाने वाले ने शहादत कबूल की है, अपनी जान पेश की है, अपना शहर के लिए, अपना मुल्क के लिए आपने दहशतगर्दों का भी सामना कर लिया है और अब जब आपका हुकूमत ने ऑपरेशन करके उन दहशतगर्दों का राज खत्म कर दिया है, अब हम अपना शहर का तरक्की पे काम कर सकते हैं। आपने देखा कि हमारा 100 साल बाद का जो बारिश हुआ है वो तारीखी बारिश था और आप उस बारिश की वजह से मुतासिर भी हुए हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा है। मगर मैं आज आपके दरमियान में आपका वजीर आला लेकर आया हूँ, आपका वजीर बल्दियात लेकर आया हूँ, आपके बाकी वजीर लेकर आए हैं, उनके लिए उनका पार्टी के तरफ से हदायत है कि यहाँ के आवाम का खिदमत करना पड़ेगा। जो मुतासरीन है, जिनका घर को नुकसान पहुंचा है, जिनका माल को नुकसान पहुंचा है, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। जो ये ग्रीन लाइन की वजह से हमारा ड्रेनेज को नुकसान पहुंचा है और यहाँ बारिशों के बाद पानी खड़ा होता है, उस मसला को भी हल करना पड़ेगा। नालों को तो साफ करेंगे और मगर नालों को तो साफ करेंगे मगर इंसाफ के साथ साफ करेंगे। आप किसी का घर नहीं गिराएंगे, आप किसी का घर नहीं गिराएंगे जब तक आपने नया घर नहीं तामीर किया हो, नया जगह पे वापस उनको मुतासरीन को नया जगह नहीं दिया हो तो किसी का घर कुछ नहीं होगा। आपका वजीर आपके साथ है, आपका हुकूमत आपके साथ है, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आपका जो कराची का पैसा पड़ा है उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि हमें कराची के अवाम पे खर्च करना है। कराची के अवाम 100 साल बाद के बारिश और सैलाब का मुकाबला किया है, 100 साल बाद का जो कोरोना का पैंडेमिक है उसका मुकाबला किया है। दुनिया भर में माशी बहरान है, बेरोजगारी है, मुश्किल सूरत हाल है। सिंध का आवाम का पैसा सिंध हुकूमत को दो ताकि हम इनके मसाइल हल कर सकते हैं। आप सबका बहुत मेहरबानी।